नेक पेन के लिए हम कुछ सिंपल योगा पोस्चर्स देखेंगे, उससे आपकी नेक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने में आसानी होगी, नेक के मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ने में आसानी होगी। फर्स्ट आसन है इसमें गोमुख आसन। इसमें क्या करना है, पैरों के ऊपर दूसरा घुटना, दोनों घुटने एक में के ऊपर आने चाहिए, ऐसे पोजिशन में बैठना है, पूरा रीढ़ का हड्डी स्ट्रेट रखना है, सीधा रखना है। ओके, अभी एक हाथ पीछे लेना है और बायां हाथ ऊपर से पीछे, दोनों साइड दोनों हाथ की पोजीशन ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, इंटरलॉकिंग। तो इसमें क्या होगा, पूरे ये शोल्डर के मसल्स स्ट्रेच हो जाएंगे और गर्दन स्लाइटली ऊपर देखेंगे, तो इससे आपके मसल्स जो है उन पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आता, इक्वल रहता है और आपका स्पाइन सीधा रहने में आसानी होती है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने में आसानी होती है। ये तरीका दोनों हाथ से करना है, अभी हाथ की पोजीशन चेंज करनी है। So, इससे ये ट्रेपेजियस मसल जो है, जो गर्दन और शोल्डर को अटैच रहता है दोनों साइड, सो इसकी स्ट्रेचेबिलिटी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। रिलैक्स, ये फर्स्ट आसन है। दूसरा आसन, इसमें दोनों पैर इस साइड छोड़ने हैं, एक पैर को बेंड करना है, बायां हाथ राइट घुटने के इधर लेके टच करना है और राइट साइड की तरफ देखना है, इसको बोलते हैं वक्रासन। इसमें ओवरऑल पूरे स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने में आसानी होती है, गर्दन उसके साथ साथ कमर की स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इसमें हाथ पे प्रेशर आ जाता है पीछे वाले और आपको पूरा स्ट्रेच पेट के यहाँ से, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होने में भी आसानी होती है। ये दोनों साइड से करो, ठीक है, सेम वे यू कैन डू ऑन अदर साइड। इसमें आप देख सकते हैं पूरे नेक के मसल से लेके पीठ के मसल तक, पूरे मसल ऐसे जैसे हम कपड़े निचोड़ते हैं, उस तरीके के एक्शन स्पाइन में होते हैं। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन है जिसमें आपको पेट के बल सोके कर सकते हैं, इसमें मॉडिफाइड भुजंगासन बोलते हैं, दोनों हाथ कंधे के नीचे रखे, खाली गर्दन को ऊपर उठाना और थोड़ा सा ऊपर आ सकते हैं आपको यहां तक ऊपर उठना है, ऊपर देना, आपका पूरा बॉडी का वेट हाथ पे आएगा और गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, इससे पूरे स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने में आसानी है, आगे के साइड पूरा स्ट्रेच आए। सो ज्यादा देर तक जिनको बैठने की आदत है उनके कंधे आगे झुक जाते हैं, इस पोजीशन में उनके आगे वाले हिस्से में स्ट्रेच बढ़ता है और पीछे वाले मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है। रिलैक्स। ये सारे आसन आपको 10 से 20 सेकंड तक होल्ड करने हैं, बट इसमें कहीं पे भी आपको ज्यादा फोर्सफुल, ज्यादा ओवर प्रेशर देके ये एक्सरसाइज, ये आसन करने नहीं जाना है। अगर आपको ये करते समय दर्द हो रहा है तो आपके आपको डॉक्टर से सलाह से जरूर ले। नेक्स्ट आसन इसमें एक प्लैंक एक्सरसाइज जो हम फिजियोथेरेपी में करते हैं, उसमें दोनों हाथ ये पोजिशन में रखे, दोनों पैर के अंगूठे और उंगलियां टच करना है और हाथ और उंगलियों पे जोर देके पूरा शरीर बीच का हवा में रखना है। इससे जो कोर मसल्स रहते हैं, सर्वाइकल और लंबर एरिया के जो कोर मसल्स, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ने में आसानी होती है। आइडियली ये पोजीशन आपको 1 मिनट तक रखना है, बट जो शुरुआत में बिगिनर्स के लिए ये पॉसिबल नहीं होता, तो आप धीरे धीरे ये बढ़ाते रहना, जैसे कि शुरुआत में 10 सेकंड, 20 सेकंड, तब जाके आपको 1 मिनट इजिली हो जाएगा। रिलैक्स।